आज की रेसिपी शेयर करेंगे आटे की पानी पूरी, और आप लोग आसानी से बना पाएंगे घर पर। सूजी ली है 150 ग्राम, इसमें हमने जो आटा लिया है वो 150 ग्राम, दोनों 50-50 लिया है। 1 कप सूजी तो 1 कप हमने आटा लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे आटे की पानी पूरी, बड़े आसानी से बना सकते हैं आटे की पानी पूरी, तो आप लोग ज़रूर बना पाएंगे। अब ये हमने नॉर्मल पानी डाला है, कोई गर्म पानी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी लिया हमने, ये देखिए। और इसका डो लगा लेंगे, एकदम टाइट लगाना है डो। ठीक है, अब इसको हम ढक के रख देते हैं। तो इस तरीके से हम आटे का जो डो है ये लगा लेंगे, और इसको आधा घंटे के लिए गीला कपड़ा करके निचोड़ के उसमें लपेट कर रख देंगे। आधा घंटे बाद इसको हम फिर थोड़े और मल्ली लगाएंगे, और उसके बाद में इसके हम बनाएंगे पानी पूरी। पूरी और पानी हम दोनों बनाएंगे। आटे की बहुत ही गजब की रेसिपी है, बहुत अच्छी है, और घर पर बड़े आसानी से बन जाएगी। ये देखिए, ये हमने कपड़े में लपेट के रख दिया था, आधा घंटे बाद इसको हम निकाल के, बस सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया, और हमारी पानी पूरी बढ़िया फूली फूली बनेगी, ये देखिए। और इसको हल्का सा और मल्ली लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ज़रा से इसमें हम तेल लगाएंगे, उसके बाद में इसको हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और बनाएंगे। 1 से 2 मिनट बस इस तरीके से मल्ली लगा ली है, ये देखिए 1 से 2 मिनट। और उसके बाद में इसकी, ये देखिए हल्का सा तेल लगाया हमने, 1 से 2 मिनट मल्ली लगाने इस तरीके से। मैं इसको मालिश और कर लेना है, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके हम लोई तोड़ लेते हैं छोटी छोटी, ये देखिए इसके हम 4 लोई बनाएंगे। ये हमने छोटी छोटी लोई तोड़ ली है, और इसके छोटे देखिए इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए ऐसे कर लेना है, और इसके छोटे छोटे हम लोई बना लेंगे। ये देखिए, आप काट लो या हाथ से तोड़ लो, एकदम छोटे छोटे पेड़े बना लेना है, आसानी हो जाती है पानी पूरी बनाने में। ये देखो, ये इस तरीके से डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से हम गोल कर लेंगे ये, और इसको हम ढक के रखेंगे, खुला नहीं रखना है। और हल्का सा तेल लगा देंगे, सारी अलग अलग हो जाएंगी। ये हमने हल्का सा तेल लगा के अब ढक के रख देते हैं, और एक एक करके हम बेल लेते हैं। ये देखिए इसको ढक के रखना है, और बेल बेल के इसको गीला कपड़ा करके इसको निचोड़ लेना है गीले कपड़े को, और फिर उसके ऊपर आपको डालना है बेल बेल को। थोड़ी 5-10 मिनट बेल के रखना है, और पतला मेलन लेना है, और जो हमने बेलने के लिए पत्थर लिया है, ये देखिए चकला बोलते हैं जिसको, ये इस तरीके छोटी छोटी हम बेल लेंगे। ये ऐसे बेल लेना है, और इसको जमा लेना है कपड़े पे। और ये हमने देखो बेल किस तरीके से डाल दी है, कपड़ा गीला करके निचोड़ दिया था, उसमें ज़्यादा गीला नहीं होने चाहिए, कपड़ा नहीं चिपक जाएंगी उसमें। और दोनों साइड से इसको ढक के रखना है 15-20 मिनट, उसके बाद में इसको हम फ्राई करेंगे एक साथ, ये देखिए। और ये इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, ये देखिए कितनी प्यारी फूल रही हैं। तो इस तरीके से आप पानी पूरी बना सकते हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, घर पर बड़े आसानी से बन सकती है पानी पूरी। ये देखिए इस तरीके से छोड़ना है, और ये एक साथ आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पानी पूरी एकाध एकाध ने अगर नहीं फूलती है कोई बात नहीं, लेकिन सारी पानी पूरी फूलेगी इस तरीके से बनाओगे तो। और इस तरीके से तेल डालते रहना, और हमारी पानी पूरी रेडी। और ये हम बना लेते हैं पानी गोलगप्पे रेडी, और हमने ली है 10-12 मिर्ची ली है,
थोड़ा सा अदरक लिया है, 5-6 मिर्ची हैं इसमें, थोड़ा सा धनिया लिया है, ये धनिया के ये जो डंठल टाइप होता वो भी ले लिया हमने इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पालक, पालक को हम ब्लांच करेंगे, उबालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। कलर डालने के, देखिए हमने गर्म पानी चढ़ाया, इसमें हमने पालक डाल दी है, 5-6 पत्ते, और ये करीब हम 1.5 लीटर पानी बनाएंगे, और हमारा पालक ब्लांच हो गया, उसको हम पीस लेते हैं, ज़रा सा पानी डालेंगे, पुदीना नहीं है, ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया। जंजीरा लेंगे, जंजीरा लेंगे हम इसमें करीब करीब 2 टेबल स्पून लेंगे, करीब करीब 40 ग्राम, और ये हमने पेस्ट डाल दिया और पानी डाल दिया, और इसमें हमारा जो बनेगा ये बनेगा 1.5 लीटर पानी बनाएंगे हम। जंजीरा पाउडर, खट्टा सब कुछ होता है इसमें, और ये देखो ये रहा जंजीरा पाउडर, इससे बना रहा हूँ पानी, बहुत अच्छा बनता है। और ये हमने जरा सी हींग डाली, हींग, काला नमक, ये काला नमक है, और जीरा डालेंगे, ये जीरा सिका हुआ जीरा है, रोस्टेड जीरा होता है, जो क्रश कर लिया था उसको सेक के, और ये हमारा पानी रेडी हो गया है, इसको बस मिला देते हैं, ये हमारा पानी रेडी है। तो इस तरीके से आप पानी बना सकते हैं, ये देखिए, और इसमें बस मसाला पानी पूरी भर के खाएं, और ये हमारा रेडी। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये देखिए हमारी पानी पूरी एकदम क्रिस्पी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये हमारे